बॉय किल्स वर्ल्ड लायंस गेट की अपकमिंग मूवी है। लायंस गेट प्रोडक्शंस की मूवी बहुत बढ़िया रहती है, ज्यादातर मूवीज अच्छी रहती है, उनकी एक अलगपन फील होता है। मूवी का नाम ही बहुत अलग है, बॉय किल्स वर्ल्ड। इसमें पोस्ट एपोकैलिप्टिक डिस्टोपियन एनवायरनमेंट हमें देखने को मिलेगा, जहां मैनकाइंड बहुत करप्ट हो गया है और चंद पावरफुल लोग डोमिनेट कर रहे हैं बाकी लोगों को। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसा लग रहा है मुझे, या फिर एक फैमिली हो सकती है। चार मेंबर्स हैं, दो फीमेल और दो मेल। उनमें से जो लीडर है उनका नाम है हिल्डा वैन डेर कॉय, जो एक पर्टिकुलर एरिया पर राज कर रही है जहां पर हमारा हीरो बॉय रहता है। उसका नाम ही बॉय है। सो काफी सालों पहले जब बॉय छोटा होगा, तब हिल्डा वैन डेर कॉय के लोग उसके पेरेंट्स और उसकी छोटी बहन को मार देंगे। बॉय इस हमले से बच जाएगा, लेकिन उसकी सुनने की और बोलने की क्षमता नहीं रहेगी, वो मुकवधीर हो जाएगा, डीफ एंड म्यूट। वो भागकर जंगल चला जाएगा और उसके लाइफ का एक ही मकसद होगा, बदला। वहां पर एक मिस्टीरियस आदमी उसे ट्रेन करेगा बचपन से। वो अपना फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, हथियार चलाना सीखेगा, मार्शल आर्ट सीखेगा, खुद को तैयार करेगा बदला लेने के लिए। और जब उससे और उसके मेंटर को लगता है कि वो तैयार हो गया है, तब वो एक टीम ज्वाइन करता है। उस टीम में और कुछ बागी मेंबर्स होंगे जो इस फैमिली या फिर इस ग्रुप को खत्म कर देना चाहते हैं, इक्वेलिटी लाना चाहते हैं। उस टीम के साथ मिलकर बॉय अपना बदला लेने का सफर शुरू करेगा। और जो ये रूलर्स हैं, ये एक एनुअल गेम, लाइव एक्शन किलिंग गेम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें जो कंपिटिटर्स होते हैं उन्हें एक दूसरे को मारना होता है। उनके लिए ये एक फेस्टिवल के जैसा है, जिसका नाम है द कलिंग। इस फेस्टिवल में भी बॉय पार्टिसिपेट करेगा, एक किलिंग स्पोर्ट्स की तरह है, जिसे देखकर ये रूलर्स मजे लेते हैं। अब बॉय के रोल में है बिल स्कार्सगार्ड, बहुत टफ लग रहे हैं वो, काफी बढ़िया फिजिक बना लिया है उन्होंने। बिल स्कार्सगार्ड के बॉय का एक इनर वॉइस होगा, यानी कि मन की आवाज, जो हम ऑडियंस से इंटरेक्ट करेगा, हमें वो मन की आवाज सुनाई देगी, क्योंकि वो बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है। वो आवाज बिल स्कार्सगार्ड की नहीं है, बचपन में वो एक वीडियो गेम खेलता था अपनी बहन के साथ, वहां पर उसने एक आवाज सुनी थी, वही आवाज इसका इनर वॉइस बन गया है। Give myself an inner voice. I took the last one I remembered from this video game. Player one wins. तो ये काफी मुझे हटके लगा। और उसकी छोटी बहन की आत्मा भी हमें दिखाई देगी, उसे दिखाई देती रहती है बॉय को। जॉन विक ने एक्शन जॉनरा के स्टैंडर्ड्स इतने हाई कर दिए हैं कि बाकी डायरेक्टर्स को बहुत दिक्कत हो रही है एक्शन सीक्वेंस तैयार करने में। सो इस मूवी में एक्शन के साथ स्लैशर भी मिलेगा तुम्हें। एक्शन और स्लैशर का कॉम्बो है। जो किलिंग्स होंगी वो काफी ब्रूटल होगी, जैसे कि इस सीन में इस बंदे के नीचे से उसको गोली मारी जा रही है, और स्लैशर मतलब ढेर सारा खून। मूवी में भर भर के किलिंग्स हैं, और इन किलिंग्स में बहुत सारा खून तुम्हें देखने को मिलेगा। तुम अगर एक्शन के दीवाने हो तो ये मूवी तुम्हारे लिए एक ट्रीट है, क्रीम पाई जैसा है। इसमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट, मार्शल आर्ट, गन फाइट, स्वॉर्ड फाइट, चाकू फाइट सब मिलने वाला है। और ट्रेलर मुझे तो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, तुम्हें कैसा लगा तुम कॉमेंट्स करो। बिल स्कार्सगार्ड के अलावा जेसिका रॉथ भी है, जो मुझे काफी अच्छी लगती है। हैप्पी डेथ डे और हैप्पी डेथ डे टू यू में वो थी। मूवी 26 अप्रैल को रिलीज हो रही है, और बिल स्कार्सगार्ड की ही द क्रो भी इसी साल आ रही है। उस मूवी के बारे में मैंने बात की थी, उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में तुम्हें दिख रहा है, अगर नहीं देखा है तो क्लिक करके देख लेना। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक अपना बिल्कुल ख्याल रखो। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच।